हम लोगों ने पिछले वीडियोस तक कैनामेटिक uh, वेरिएबल्स सारे जान लिए हैं पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेशन इनफैक्ट पिछला वीडियो जो था वो एक्सेलेशन के ऊपर था डिटेल्ड उसका स्पीड और वेलोसिटी से क्या रिलेशन है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आगे जो भी वीडियोज़ आएँ वो उनकी रेगुलर अपडेट आप तक पहुँचते रहें आज हम लोग करेंगे कैनामेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन कई लोगों को जब भी हम ये कानेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हम लोग बात कर रहे हैं वीज इक्ल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफे टी स्क्वायर की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये जनरल कैनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है हो सकता है कई जगह स्कूल में नाइन टेंथ में वो उनको जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह तो इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये जो वीज इक्वल टू यू प्लस एटी एस यू टी प्लस हाफे टी स्क्वायर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस वे वाली इक्वेशन है ये इक्वेशन फॉर अगर एक्सिलेशन यूनिफॉर्म है इक्वेशन लगेंगे तो मोशन और जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है ये वो इक्वेशन है जो इन एनी केस लगेंगे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होलेवन ट्वेल्व स्कूल तो के साथ स्कूल से आप थोड़ा सा तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे

तो क्या बन वेलोसिटी की डिफिनेशन तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बन गया वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डीटी तो वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी अपनी में पहली फंडामेंटल इक्वेशन है नंबर आपको, मतलब आपको जेई और नीट के क्वेश्चन आई आई टी के जेई के मीन के जेई एडवांस के नीट के मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कैसे लगेंगे इन चार जनरल काइनेमेटिक इक्वेशन को आपने सीख लिया तो कैनोमेटिक से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे v डी तो जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x इज इक्वल टू रूट टी प्लस टू अच्छा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू रूट टी प्लस टू वाला और मुझसे पूछा गया v. तो v होता है dx dt. तो देखिए x है टी प्लस टू की पावर हाफ अब मैं डिफ्रेंसिएशन करना नहीं बता रहा हूं बट स्टेप वाइज जरूर बताऊंगा तो आपने तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन देखा होगा मेरे वीडियो से तो आप सीख जाओगे एक्स इज इक्वल टू अंडरवुड टी प्लस टू यानी कि टी प्लस टू की पावर हाफ वी डी एक्स बाई डी टी इसका डिफ्रेंसिएशन है तो t

देखिए v equal to dx upon dt की दो मीनिंग है और मैंने ये देखिए दो लाइन दो बना के लिखी है थी क्लास में एक लिखी थी मैथमेटिकल मीनिंग एक लिखी थी ग्राफिकल मीनिंग मैथमेटिकल मीनिंग ये कि x दिया और डिफ्रेंशिएट कर दो ग्राफिकल मीनिंग ये है कि अगर x दिया हो तो डिफरेंशिएशन जैसी चीजें ग्राफ में स्लोप बताते हैं और स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताते हैं तो देखिए ये एक्स का ग्राफ दे रखा है देखिए साइन वेव के फॉर्म में एक्स का ग्राफ दे रखा है ये देखिए पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर जीरो के नीचे चला गया इस तरह से इसमें मुझे के बारे में बताना है एटलीस्ट साइन तो मैं बता ही सकता हूँ देखिए यहां से लेके इस पॉइंट तक अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट जो होगी इस टाइप से जाएगी ऐसे जाएगी थोड़ा ऐसे जाएगी एक्यूट एंगल बनाते हुए आपको मालूम है स्लोप जो होती है वो टेन थीटा होती है और जब तक थीटा जीरो से नाइनटी है तो जीरो से नाइनटी के बीच में टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है जस्ट पीक पॉइंट पे ग्राफ ऐसा था जस्ट पीक पॉइंट पे अगर आएंगे मैक्सिमा जहां पे, हो रहा है। इस पे आप देख रहे हैं कि टेंजेंट है तो आप देख लेना ग्राफ भी आपकी पूरी स्टडी हो जाएगी अब आप देखें यहाँ पे जो टेंजेंट मैंने डाली है इसकी जो स्लोप निकालेंगे टेन थीटा तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो यानी कि यहाँ पे स्लोप जीरो आइए इतने से इतने रीजन में

तो ये हो गया x को करकेट करके v v v dx dt dt को करके a a dv एगला रिलेशन अच्छा ए इज डी बाई डी dt का एक और जो है मीनिंग हो सकती है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो एक्सलेशन उस ग्राफ की स्लोप होगी जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है ये देखिए ये देखिए vt कर्व दे रखा है पहले v पॉजिटिव कांस्टेंट था फिर v नेगेटिव कांस्टेंट है तो मुझसे पूछा जा रहा है एक्सलेशन तो मैंने देखिए बगल में एक्सलेशन का ग्राफ बनाया है क्या इतने से इतने के रीजन अच्छा ये ये एक्सलेशन का जो मैंने ग्राफ जो है मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं इतने इतने एक्सलेशन पूछा गया ये वाला जो रीजन है इतना अब ये बताइए वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है एक्सलेशन डीवी बाई डी मतलब इसकी स्लोप है और सिंस इसकी स्लोप जब आप टेंजेंट खींचोगे तो जीरो आएगी तो इतने से इतने के बीच में एक्सलेशन जीरो है अच्छा इतने से इतने के बीच में फिर से वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट है फिर एक्सलेशन जीरो है। यहाँ पे भी एक्सलेन जीरो, जीरो बट इतने रीजन में अचानक से जो तो y एक्सिस वाली लाइन है इसमें क्या हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव हुई और कितने टाइम इंटरवल में ऑलमोस्ट जीरो में। तो इतने में के मैंने बोर्ड में भी पढ़ाते वक्त लिखा था कि अनडिफाइंड है इस टाइप की सडन जो चेंजेस होते हैं वो अनडिफाइंड होते हैं उनको आप हमेशा अनडिफाइंड बोलिएगा इस मोमेंट पे एक्सलेन आपसे पूछे तो इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं बट अनडिफाइंड इनफिनिटी भी अनडिफाइंड ही बोला जाएगा अनडिफाइंड है ठीक

और भाई जब आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो तो नीचे भी आएगा तो या गया बाई अब देखिए तो रहेगा, रहेगा। तो तो रिलेशन होता है और एक होता है वी बाई तो जो जनरल हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन करने वाले थे उसमें जो शुरुआत वैसे तो चार इक्वेशन है चार फंडामेंटल है बट उनमें से जो मैंने आपको दो बताई

वो वाले इक्वेशन करेंगे जो